हेलो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप एनसीबी से लोकल बैंक में कैसे पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं या किसी भी बैंक में किसी वॉलेट में पैसा किस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पूरा डिटेल मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अपना मोबाइल पे ओपन करना होगा। वहाँ से आप जब ओपन कीजिएगा तो वहाँ से आप अपना अकाउंट नंबर ले लें। अकाउंट नंबर लेकर आप कहीं लिख लें, जैसे मैं यूआरपे में भेजने वाला हूँ तो यूआरपे का मैं अकाउंट नंबर लिख के रखा हूँ। इस तरह आप भी किसी भी बैंक में भेजना चाहते हैं तो उसको लिख के रख लें, जो अकाउंट नंबर होता है उसको लिख के रख लें। जैसे आप अपना एनसीबी ऐप को ओपन कीजिएगा, ओपन करने के बाद देखें यहाँ ट्रांसफ़र ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर उसके बाद लोकल ट्रांसफ़र पर क्लिक करना है। देख सकते हैं लोकल ट्रांसफर का ऑप्शन जो दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपको क्या करना है, जब इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ से एक पेज खुलेगा। वो पेज से जाकर आपको अपना बेनिफिशियरी को ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं या कोई सेटिंग करना चाहते हैं तो आप सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं पूरा डिटेल आपको यहाँ दिख रहा है। तो हमें पैसा सबसे पहले क्या करना है, बेनिफिशियरी को ऐड करना है। वो कैसे ऐड करेंगे, किस तरह करेंगे, तो आपको लोकल बैंक वाला ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो लोकल ट्रांसफ़र दे ऑप्शन दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको एक लेके जाएगा नेक्स्ट पेज में। वहाँ पे देख सकते हैं मैं आपको दिखाने वाला। इससे पहले बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। चले आप वीडियो में स्टार्ट करके दिखाता हूँ और ऐड करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ से मैनेज करना चाहते हैं तो मैनेज कर सकते हैं कोई भी अपना अकाउंट को। यहाँ पे पूरा डिटेल आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल आपके सामने है। अब आपको क्या करना है, इस पर ऐड करें। ऐड करने के बाद यहाँ पे देखें, यहाँ अमाउंट डालें, जितना अमाउंट आपको भेजना है उतना अमाउंट डाल दें। अमाउंट डालने के बाद यहाँ देख सकते हैं आप, ये नॉर्मल भेजना चाहते हैं कि क्विकली भेजना चाहते हैं, जल्दी भेजना चाहते हैं कि बस थोड़ा टाइम लगेगा। दो ऑप्शन दे रहा था, आप में से इसमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद प्रोसेस पर क्लिक करना है। प्रोसेस में क्लिक कर दी, अगर बेनिफिशियरी पहले से ऐड है तो ठीक है, नहीं है तो आप ऐड कर सकते हैं। देखें मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मेरा ऐड है लेकिन मैं उस पर नहीं भेजूँगा। मैं दूसरा बेनिफिशियरी को ऐड करके आपके सामने लाइव प्रूफ में दिखा कर पैसा सेंड करूँगा। तो ऐड यहाँ पे जो देख सकते हैं साइड में ऐड का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ ऐड लिखें। लिखने बाद अकाउंट नंबर लिखें, अकाउंट नेम लिखने के बाद जो अकाउंट होल्डर का नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पर IBAN नंबर लिखना पड़ेगा, जो आपका अकाउंट नंबर है वो अकाउंट में यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने दिखा रहा है। यहाँ अगर लिख के रखें या कॉपी करके रखें तो कॉपी करके डायरेक्ट पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद आप शॉर्ट नेम लिख लें, जो आपका शॉर्ट नेम ऐसे नॉर्मल जो नेम है वो नेम लिख लें। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद प्रोसेस पे क्लिक करना है आपको। जब प्रोसेस पे क्लिक कीजिएगा तो देखें इस तरह इंटरफेस दिखेगा, पूरा डिटेल आपका। आपको क्या करना है, आप यहाँ पर कन्फर्म करना है। जब कन्फर्म करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक कॉल आएगा, वो कॉल को रिसीव करना है आपको। देखें देख सकते हैं आपके सामने इस तरह पूरा डिटेल आपके सामने शो कर रहा है। अगर अकाउंट में थोड़ा भी मिस्टेक लग रहा है तो आप क्या करें, अकाउंट चेंज एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे कंफर्म कीजिएगा तो आपके वन टाइम पासवर्ड भी आएगा, दोनों चीज़ आएगा, आप खुद देख सकते हैं। Customer, the one-time transaction password has been sent to you. Please wait and start entering the password once you receive it. To complete the transaction, please enter your password now. Sorry, the number is not complete. To complete the transaction, please enter your password now. देखिए मैं गलत टाइप कर दिया था लेकिन अभी रियल सही से टाइप करना है। The beneficiary has been successfully activated. You can now transfer to this beneficiary. Thank you for choosing the Saudi National Bank. Have a nice day. देख सकते हैं कंफर्म हो चुका है मेरा बेनिफिशियरी, कंफर्म हो गया। अब हम पैसा भेज सकते हैं। फाइनेंस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपको यहां से बेनिफिशियरी सेलेक्ट करना है। देखें बेनिफिशियरी मेरा ऐड हो चुका है, लेकिन देखें यूआरपे का बेनिफिशियरी है लेकिन अलराजी शो करता है, यानी अलराजी यूआरपे एक ही बैंक है। देख सकते हैं यहाँ पे अमाउंट डाल दें। अमाउंट डालने के बाद यहाँ देखें आपका टैक्स कितना लगेगा, वो टैक्स बता देगा। देखें एक रियाल का 58 पैसा टैक्स लग रहा है। उसके बाद आपका पर्सनल अकाउंट है या फ्रेंड का है, कैश का है, यहाँ से सेलेक्ट करना है।
जब इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, करने के बाद आप डायरेक्ट कन्फर्म कर देना है। देखें यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया, आप कन्फर्म कर देंगे तो आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। लेकिन मेरे को पैसा नहीं भेजना, इसलिए 1 रियाल भेज रहा हूँ मैं। 1 रियाल के लिए मेरे को 58 हलाला टैक्स देना पड़ रहा है। मैं एक सैंपल के लिए आप लोगों के लिए दिखाने के लिए वीडियो बनाया। ओके, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।